हम लोग ले लिए दोस्तों झांझ करताल ताशा और देखिए ढोलक भी ले लिया है। ये देखिए दोस्तों यही रहा दुकान। हेलो दोस्तों, आप सबों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों आज है रामनवमी, तो सबसे पहले आप सबों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों अभी सुबह हो चुका है और देखिए भाभी अभी चाय बना रही है, बहुत दिन के बाद बना रही है चाय। दोस्तों अभी तक लाइन भी नहीं आया है, लगता है झरना जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए, पानी भी नहीं है। थोड़ा सा पानी था तो उसमें चाय बना रही है भाभी। देखिए आ गया लाइन, नाम लेते लेते आ गया, एकदम शुभ काम हो रहा है आज। और देखिए बाबू ये सब एकदम बैठे हुए हैं चाय पीने के लिए। का चाय का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। चाय का इंतजार, चाय पिएगा? नानी घर जाएगा, नानी घर जाएगा चाय पीने के लिए। चाय पीने के लिए बाबू नानी घर जाएगा। अच्छा, नानी घर में चाय मिलता है, यहाँ नहीं है? हम लोग चाय बना रहे हैं, देखो तो चाय बनाई मम्मी। गिलास आने जा रहे हैं, गिलास अच्छा लेके आइए। चाय बन गया है दोस्तों, अब गिलास लेने जा रही है भाभी। सामान आने जाएगा, कौन सी सामान? हल्दी, नमक ना बाबू, हल्दी नमक और जीरा गोलकी, जीरा गोलकी, दाल। पापा तो ये सब लाए हैं कल, पापा तो लाए हैं कल, कल लाए हैं ना बाजार से। हम तो लाए हैं बाजार से, सब सामान लाए हैं, राशन सब सामान लेके आए हैं भैया। तेरे पापा सब्जी भी लाए हैं, मम्मी तो नानी घर में थोड़ी मिलता है, बाजार में ना मिलता है। बाजार में वो सब मिलता है कि? दोस्तों भाभी गिलास लेके आ गई है और बाबू को देखिए एकदम तुरंत आ गया चाय पीने के लिए। क्या बाबू इस चाय पिएगा? नहीं पियो तुम, आज पूजा करना है ना बजरंग बली का। जय बजर, तुम करते रहता है, आज बजरंग बली का पूजा है। नहीं करेगा पूजा? यहाँ घर में हम लोग करेंगे। करेगा ना? मिठाया नहीं हमें अभी। देखिए चाय बटा गया है, अब हम लोग चाय पियेंगे। भैया को देते हैं पहले। हाँ तो उठा, बाबू उठा रहा है अभी। हाँ उठा 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 उठा। चाय एकदम पीने में मजा आ गया। को, मम्मी को सबको दीजिए। हाँ। चाय पीने में कैसा लगा बाबू? हमको तो पूरा मजा आ गया, बहुत मजा लगा चाय पीने में। हमको मजा लगा चाय पीने में, बहुत टेस्टी बना हुआ है चाय। तुम पी के टेस्ट करो बाबू, पियो पियो। इतना गर्म है कि पीने वाला पी रहा है। ये वाला पिएगा? हेलो, ये वाला उतना गर्म नहीं है, इसमें ठंडा हो गया। दोस्तों हम चेक करके देखते हैं कैसा बनाई है भाभी चाय। मजा बनाई है? अच्छा, बहुत मजा लगा। तुमको मजा लगा? अच्छा हम चेक करते हैं। मस्त बनाई है ना, एकदम मस्त, एकदम गोलकी वाला चाय है ना। हाँ। तुलसी पत्ता डाल करके एकदम बनाई है मस्त। तो दोस्तों अभी दोपहर का समय हो चुका है और अभी हम लोग देखिए सभी को नहा धो करके रेडी हो गए हैं और पूजा पाठ भी हो गया दोस्तों। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाजार और कुछ ढोलक ताशा वगैरह भी खरीदना है, आज भजन कीर्तन होगा। तो चलिए चलते हैं। हाँ चलिए, तो हम लोग चलते हैं, है ना? हाँ जाइए। एक ठो झोला दीजिए हम लोग को। हाँ ठीक है दीजिए। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं दोस्तों बाजार, क्योंकि देखिए पूरा एकदम दोपहर हो गया है और हम लोग अभी बहुत काफी दूर जाना पड़ेगा ना मसाले, दूर जाना पड़ेगा कि हाँ। बाजार तो यहाँ नहीं है, नहीं है, चितरपुर से आगे जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो वहाँ जाने में हम लोग का समय लगेगा दोस्तों। हाँ। इसीलिए हम लोग निकल रहे हैं अभी। हाँ। तो चलिए मसा जी। हाँ, चलिए चलिए। और उधर गई हैं अभी कविता जी झोला लाने के लिए। हाँ। लेकर के आती होगी अभी वो। और लक्ष्मी देखिए कितना मस्त खेल रही है, इसको कोई चीज का मतलब नहीं रहता है, ये खेलते रहती है क्या लक्ष्मी? हाँ
झोला लेके आ गई है दोस्तों कविता जी, अब हम लोग चलते हैं। चलिए मौसा जी, चलिए हम लोग जा रहे हैं जी। हाँ जाइए। हाँ तो दोस्तों देखिए, आते आते पूरा बारिश होने लगा था, अभी पहुँच रहे हैं यहाँ पर। देखिए बहुत ही अच्छा तिरपाल लगा हुआ है, एक बहुत बहुत जबरदस्त बारिश हो रहा है दोस्तों बाहर में। देखिए पूरा इधर पूरा मार्केट सन्नाटा हो गया, इतना पानी दे रहा है। भैया लोग भी पूरा समेट लिए है, पूरा कपड़ा वगैरह सब समेट लिए। भैया ने कपड़ा दुकान वाला को पूरा दिक्कत है, रखने के लिए कपड़ा नहीं दिख रहा है। कपड़ा दुकान वाला को भी काफी दिक्कत हो गया दोस्तों, एकदम पानी में कपड़ा भी नहीं दिखा यार। यहाँ तरफ देखिए इतना ज्यादा बारिश होने लगा, धूप मिल रही है लेडीज बच बच के किसी तरह से। देखिए दो लेडीज वहाँ पर ले रहे हैं बच बच करके, उनके का कोई अर्जेंट होगा इसीलिए ले रहे हैं। एक महीना से कपड़ा दुकान में ऐसे ही हाल है, दिखते नहीं रहता कपड़ा। और भैया देखिए अभी साज रहे हैं, जितना अभी कपड़ा है वो सब घिसा रहे हैं अभी पानी के चलते। तो अभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं दोस्तों, उसके बाद में पानी छूटेगा तो चलेंगे। क्या मौसा जी, पानी हल्का हल्का छूट गया है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं। चलिए मौसा जी, चलिए। तो ये देखिए दोस्तों एकदम धीरे धीरे पानी छूट गया है, अब हम लोग सीधे गाड़ी पकड़ते हैं और चलते हैं। क्या मौसा जी, चलिए। हाँ दोस्तों हम लोग पहुंच गए, उठिए मौसा जी। ये देखिए दोस्तों यही रहा दुकान। भैया देखिए अभी पूरा एकदम यहाँ पर हर चीज मिलता है। हाँ तो नल दिखाइए भैया तुम लोग को, देखिए यहाँ पर सब कुछ रखे हुए हैं, चौड़ा मुंह वाला। मौसा जी अभी ट्राई कर रहे हैं दोस्तों, देखिए अभी टाइट कर रहे हैं, पूरा नट बोल्ट ढीला है ना मौसा जी, ये सब टाइट करना पड़ता है। सेट करके रखा हुआ है। अच्छा इसको टाइट करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, जब ये पूरा टाइट हो जाएगा दोस्तों उसके बाद में बजेगा, बहुत मस्त बजेगा। सब नट खुल गया है। हम लोग को देखिए दोस्तों ये दुकान खोजने में कितना समय लग गया, हम लोग को पूरा एकदम गली छानना पड़ा तब जाके हम लोग को ये दुकान मिला। भैया का दुकान थोड़ा अंदर में है, पूरा हम लोग मेन रोड में खोज रहे थे तो उधर मिल ही नहीं रहा था, तो यहाँ पर बहुत गली छान मारे उसके बाद में यहाँ पर मिला है। मौसा जी एकदम पूरा ट्राई कर रहे हैं दोस्तों बजा करके, ये देखिए अभी झांझ बजा रहे हैं ना मौसा जी। कैसा बजा है? बहुत अच्छा बजा, अभी नया है ना, अच्छा बजा। अच्छा अरे वाला को क्या बोलते हैं, क्या नाम है भैया इसको? अच्छा अच्छा, बहुत ही भयानक बजता है दोस्तों एकदम, मजा आ जाता है बजा करके। देखिए कितना मस्त बज रहा है। हम लोग ले लिए दोस्तों झांझ करताल ताशा, और देखिए ढोलक भी ले लिए हैं, अभी चलते हैं हम लोग। चलिए मौसा जी, चलिए। और देखिए दोस्तों पूरा शाम हो गया है, हम लोग को जल्दी जाना पड़ेगा। आइए मौसा जी। हाँ आइए मौसा जी। दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं दिक्कत नहीं हुआ है, इसका जो क्या है नीचे हो गया। अच्छा ये घूम गया है ना। हाँ चलिए हम लोग सीधे घर चलते हैं दोस्तों। हाँ क्योंकि काफी शाम हो गया है, हम लोग को जाते जाते अभी एक डेढ़ घंटा लग जाएगा। दोस्तों हम लोग घर पहुँच गए, आइए मौसा जी। चलिए पूरा अंधेरा हो गया दोस्तों आते आते, खाना पीना बन गया। खाना पीना इतना लेट कैसे? बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था और पूरा एकदम उधर जुलूस निकल रहा था एकदम, आज रामनवमी था ना। हाँ उसी का पूरा जुलूस, मतलब उधर भीड़ था एकदम जुलूस के कारण। क्या है ये सब? ये सब है, क्या है? बजाने का सामान, कीर्तन भजन होगा उसके लिए सामान आ गया है। नाल है, इसको बोलते हैं ताशा, बेंजो पार्टी नहीं जी, कीर्तन भजन करने वाला सामान। और इसको क्या बोलते हैं पता है? करताल, करताल, करताल। और इसको बोलते हैं झांझ।
हम भी नहीं जानते थे, वहीं पर दुकाने में पता चला है किसका ये चीज नाम है। कैसा बज रहा है? ठीक है बज रहा है, कैसे तो है? है इसको खाड़ी है, है 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 कि इसका एक लेथन बनाने नीचे रख करके बजाना है, पूरा नट बल्टू टाइट करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए मौसा जी पूरा फिटिंग कर लिए हैं, सब चीज टाइट कर दिए हैं ना मौसा जी। हाँ। और उधर देखिए अभी माँ अभी अगरबत्ती दिखा रही है, दिखाइए माँ। पूरा हम लोग का विधिवत पूजा होता है दोस्तों, कुछ हाँ। भी नया सामान आता है घर में तो पूरा एकदम इस तरह से पूजा करना पड़ता है, और मम्मी वही कर रही है। अब इसी का कहानी क्या कहा जाता है? हाँ। सांझ भये साधु दीपिका ना जालू हो, सांझा भये साधु हम लोग उतना नहीं आता है दोस्तों मौसा जी के जैसा। सांझा भये साधु दीपिका ना जालू हो, सांझा भये साधु। काती के दिया राहो काती के बाते I'm not afraid to die.
दोस्तों हम लोग रामनवमी के शुभ अवसर पर बहुत अच्छा कीर्तन भजन किए, एकदम पूरा एकदम मजा आ गया। हाँ। आनंद ही आनंद आया। क्या मौसा जी, बहुत अच्छा मजा, कितना अच्छा अच्छा भजन गाए ना मौसा जी, एकदम दिल खुश हो गया, एकदम पूरा एकदम पूरा भरपूर आनंद लिया पूरा परिवार, बहुत मजा लगा। फूफा जी, फूफा जी बोल रहे मौसा जी, कहा की फूफा जी भी आए थे ना, इसीलिए याद हो जा रहा है, फूफा जी भी आ जा रहा है। तो बहुत अच्छा आनंद मिला दोस्तों, एकदम मौसा जी कराते हुए हम लोग इतना ज्यादा खुशियाँ मिलता है ना, एकदम हम लोग पूरा परिवार जो एकदम गदगद हो जाते हैं एकदम खुशी से, और बहुत अच्छा लगा एकदम। बहुत अच्छा, 12:01 बज रहा है दोस्तों अभी, लेकिन हम लोग देखिए पूरा परिवार जागे हुए हैं, और बच्चा लोग भी नहीं सोया है, देखिए रंगीला भी देखिए बजा रहा है, उधर झांझ बजा रही है, फिर करताल है ना, रंगी बजा रही है करताल, सर पूरा एकदम परिवार इस तरह से पूरा खुशियां मनाए। हाँ। ये रामनवमी के शुभ अवसर पे बहुत अच्छा आनंद मिला, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग किस तरह से रामनवमी मनाते हैं दोस्तों, हम लोगों को जरूर कमेंट में बताइएगा, हम लोग तो इसी तरह से गांव देहात में मनाते हैं रामनवमी। हाँ। क्या मसाज जी? हाँ। हम लोग गांव देहात में जैसा रीति से चलता है सही रीति से आज खुशहाली मनाए। हाँ हाँ, तो बहुत आनंद मिला हम लोगों को। हाँ। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, रामनवमी शुभ हो।